एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक ये लास्ट है, लोनलीनेस नू किवें दूर किया जाए, सारे फैमिली मैंबरस फोन और टीवी दे कोल टाइम स्पेंड करना ज़्यादा प्रिफर करते हैं, वॉट इज़ इट्स सोल्यूशन, और फिर कल्ले रह के ओवर जे थॉट्स आते हैं, ना चाहते हुए भी आ जाते होंगे ने। गुरु प्यारे, गुरुद्वारे भाग जाओ। अगर आपके पास कोई, आपके आसपास कोई गुरुद्वारा है, भाग जाओ। ये बेस्ट चीज़ है, मतलब गुरुद्वारे गुरुद्वारे की ना, मतलब पूरा फ़ायदा उठाया करो। गुरु महाराज ने जो हमें गुरुद्वारों की मेहर बख्शी है ना, कृपा करिए हम पे गुरुद्वारों की, उसका यूटिलाइज़ किया करो। गुरुद्वारा इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, आई एम टेलिंग यू। ये जो आप कह रहे हो, इसके लिए भी आप गुरुद्वारा बहुत तगड़ा सोल्यूशन है। जब आपको लगता है कि अब 2 घंटा शायद फजूल ही है, कोई है नहीं घर पे, और है भी है सब अपने टीवी पे मोबाइल पे लगे हुए हैं, तो जाओ आप गुरुद्वारे, जाओ सेवा करो। अगर कोई सेवा नहीं है, कुछ भी जगह साफ़ करना शुरू कर दो। सगो आपकी कमाई भी होगी, आपके कर्म भी कट्टे जाएंगे, साथ में आप कोई जो वाणी आपको कंठ है वो कर लो, सिमरन कर लो, चाहे मूल मंत्र कर लो, वाहिगुरु सिमरन कर लो। देर इज़ अ लॉट यू कैन डू, वो सब बेस्ट है। एक तो घर में आपके वो जो गंदे थाट्स हैं वो भी नहीं आएंगे, और गुरुद्वारे जाके आपकी जो कमाई होगी वो अलग, गुरुद्वारे में जो सेवादार होंगे उनके साथ दोस्ती होगी और वधिया संगत मिलेगी वो अलग। कितने बेनिफिट्स हैं यार, इट्स सुपर गुरुद्वारा साहिब। सो आप भाग जाओ, भाग जाया करो, चाहे दिन में 2 बार जाओ, 3 बार जाओ, कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पर जहाँ जा रहे हो वहाँ पर सबसे ज़बरदस्त कमाई हो रही है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है जी। फिर जी कई बार रात की ले बहुत लेट हो जाता है, काम ही हाँ होता है, ऐसा तो की कितना जाए उस वेले। जी, राती लेट तो होना ही नहीं है। जो सोने का टाइम गुरु महाराज गुरु ग्रंथ साहिब जी में हमें प्रिस्क्राइब करते हैं वो 6 से 9 का है। गुरु महाराज गुरबाणी में कहते हैं कि जो पहले पहर, रात के पहले पहर में जो सो जाता है, वो काइंड ऑफ उसके जो उसका जो पौधा उसको फूल लग जाता है। अब जिसको फूल लगता है पेड़ को, उसी को फल लगेगा ना। तो इट्स लाइक कि जब आप पहले पहर में सोते हो तभी आपको फूल लगेगा, और तभी आप अमृत वेले जाग पाओगे और आपकी लाइफ में आपके पेड़ पे फल लगेगा। इट्स लाइक दिस। तो लेट होने का तो कोई सवाल ही नहीं है, ये तो चीज़ आप मुझे कभी भी मत बोलना ना। अगर आप लेट सो रहे हो तो आप मेरे साथ अकेले में कनेक्ट करो, देन मैं थोड़ा सा आपको एक भाई की तरह आपको ज़रूर समझाऊंगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हो। तो लेट सोने का तो कोई सवाल ही नहीं है। गुरुद्वारे जाओ, सेवा करोगे, ऑलरेडी आपका बॉडी इतनी ज़्यादा टूट जाएगी, थक जाएगी, कि आपको 9 बजे भी लेट जाओगे, 9:30 बजे भी लेट जाओगे, आपको नींद आ जाएगी। और अगर आपको रोटी लेट खाते होंगे घर में, ऑब्वियसली जब आप लेट सोने की बात कर रहे हो, तो आप घर पे रिक्वेस्ट कर दो मम्मी पापा को कि भाई मेरा आप 7 बजे तक प्लीज़ डिनर मेरे को दे दिया करो, मेरे 2 फुलके दाल जो भी देनी मेरे को दे दिया करो, मैंने जल्दी सोना होता है। जल्दी सो जाओगे, अमृत वेला जल्दी उठ जाओगे, कमाई कर लोगे ज़िंदगी में, आगे निकल जाओगे, गुरु महाराज के चरण मिल जाएंगे। नहीं तो फंसे रहोगे, अगर 11 11 बजे 11:30 बजे तक जागते रहोगे तो वो गलत है। सिक्खी में मतलब गुरमत तो इस चीज़ को प्रवान नहीं करती। गुरबाणी में मैंने आपको बता रहा हूँ ना, गुरबाणी में गुरु महाराज देखो इतना ज़्यादा, इतनी ज़्यादा गाइडेंस तो कहीं पर नहीं हमें मिल सकती। गुरबाणी में गुरु महाराज कहते हैं कि तुझे 6 से 9 पहले पहर रात का जो होता है उसमें सो जाना है। चाहे तू 6:30 सो जा, चाहे तू 7 सो जा, 8 सो जा, 9 सो जा, ठीक है। विद्वानों ने कहा है कि चलो बहुत आया तो तू 9:30 बजे सो जा, बहुत ही बिजी है तू, पता नहीं पूरी दुनिया ही तूने संभालनी है, तो ठीक है तू 9:30 सो जा, बट 9:30 से लेट मत किया करो गुरु प्यारे हो। बड़ी बहुत बड़ा बहुत बहुत कुछ हम लूज़ कर रहे हैं अगर हम बहुत लेट सो रहे हैं तो। ठीक है, वीर जी कई बार घर से एवें हो जाता है कि सोने की जगह भी नहीं बन पाती, तो बहुत लाउड लाउड टीवी चल रहा होता है, तो फिर उस केस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। यार ये तो ना आप अपने घर वालों से बात कर सकते हो, कुछ तो आपको करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं ना पता कि आप आपके पेरेंट्स को अगर आप रिक्वेस्ट करोगे तो आप वो मान जाएंगे, अगर वो नहीं मानते तो यू हैव टू टेक सम स्टेप्स। आपको कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स को किसी ना किसी तरीके से समझाना पड़ेगा कि प्लीज़ आप मुझे सोने दिया करो, मैंने जल्दी उठना होता है सुबह, या तो रूम कहीं दूर जाके सो जाओ। अगर आपको देखो मैं जैसे कि आपको छोटी सी बात बोल रहा हूँ, अगर आपका घर बहुत छोटा है, मैं जस्ट कंसिडर कर रहा हूँ कि मान लो बहुत छोटा है अगर, और एक रूम में टीवी लगा होता है, लाउड लगा होता है, आपको नहीं आप सो पाते हो, रसोई में जाके ना नीचे गद्दा डाल के सो जाओ,
एक दिन सोओगे, 2 दिन सोओगे, आपके मॉम डैड को खुद ही समझ लग जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ देखो वही होता है ना कि झटका देना पड़ता है, थोड़ा वो सोए हुए लोगों को झटका देना पड़ता है, उनों के लिए नहीं एटलीस्ट अपने लिए। तो कुछ ना कुछ आपको हरकत ऐसी करनी पड़ेगी जो आपके घर वालों को थोड़ा सा बुद्धि बख्शे कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, हम यहाँ तो टीवी स्लो कर लें या कुछ तो ऐसा करें कि वो सो पाए, 8 बजे सो पाए, 9 बजे सो पाए, 9:30 बजे सो पाए। ठीक है, कुछ तो आपको करना पड़ेगा गुरु प्यारे।